हेलो यू ऑल, मेरा नाम है दीपा और मैं आप सभी का दीप्स रेसिपी में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है ओट्स के चीले। ओट्स जिसे हम हिंदी में चाय भी कहते हैं, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप ओट्स। इन ओट्स को हम एक पैन गरम करके रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम में रोस्ट करना है। आप चाहे तो इसे बिना भूने भी बना सकते हैं, बट भून लेने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए, हमारे ओट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे फाइन पाउडर में। अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें हमने मिलाना है 2 चम्मच बेसन। अब हम इसमें कुछ सब्जियां मिलाएंगे, 2 चम्मच लाल शिमला मिर्च, 2 चम्मच हरी शिमला मिर्च, 2 से 3 हरी बारीक कटी मिर्च, 3 चम्मच प्याज, 2 लहसुन की कलियां चॉप की हुई, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। धीरे धीरे पानी डालकर हम एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने लगभग 1 ग्लास पानी यूज़ किया है। ओट्स पानी सोखता है, इसीलिए हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे ढककर। देखिए, ओट्स ने पानी सोख लिया है और हमारा बैटर थिक हो गया है। इसे थोड़ा और लिक्विड करने के लिए हम इसमें 1/2 ग्लास पानी और ऐड कर देंगे। हमारा लिक्विड बैटर तैयार हो गया है। अब हम तवे को गैस पर गर्म होने रख देंगे। इसके गर्म होने पर इस पर हम तेल लगा देंगे। अब इसमें हम बैटर डाल के इसे गोल आकार में फैला देंगे। इस वक्त हमारी फ्लेम लो होनी चाहिए ताकि हमारा बैटर नीचे चिपके नहीं। थोड़ी देर बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और ऑयल लगा देंगे। लगभग 1 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे हमें ऐसे ही पकाना है। इसके बाद हम इसे दूसरे साइड से पकाने के लिए इसे पलटा देंगे। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से ये और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होंगे। यह स्टेप बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही इसे 2 से 3 बार हम दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। देखिए, हमारा चीला रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के बचे हुए बैटर से चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर को तवे पर डालते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। फिर इसे आप 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे ताकि आपके चीले नीचे से जलेंगे नहीं। आप चाहे तो नॉनस्टिक तवे का भी यूज़ कर सकते हैं। नॉनस्टिक तवे का यूज़ करने पर आपको तेल का यूज़ कम करना होगा, बट अगर आप मेरी तरह कास्ट आयरन तवे का यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा इसमें तेल ज़्यादा लगा सकते हैं। यदि आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।